हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। ओपन ऑफिस बेस्ड डेटाबेस का सवाल है कि सर इसमें अगर एसक्यूएल क्वेरी के माध्यम से टेबल बनाना चाहे तो कैसे बनाया जा सकता है, तो क्या बना पाना पॉसिबल भी है या नहीं है, ये भी कई लोगों का सवाल होता है। तो बिल्कुल बना सकते हैं आप, कैसे बनाएंगे आज के इस वीडियो में यही देखेंगे हम। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये टूल्स दिख रहा है, ठीक है। टूल्स में यहाँ पर आपको एसक्यूएल मिलेगा, तो इसी एसक्यूएल पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर मिल रहा है आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट, एक्सिक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट, ये वाली विंडो आई थी। यहां पर अब आपको कोड कुछ टाइप करना है। ये वही कोड है जो आप माई एसक्यूएल में टाइप करते हैं या फिर एसक्यूएल सर्वर पर टाइप करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो एसक्यूएल क्वेरी बनाते हैं वहां पर टाइप करते हैं, ये वही कोड है। तो आपको सिंपल वे में लिखना है क्रिएट टेबल, इस तरीके से लिख दीजिएगा क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम आपको देना है। जैसे मान लीजिए मैं दे देता हूं माई टेबल, माई टेबल कैपिटल एम वाई लिख देता हूँ और टेबल, तो ये माई टेबल के नाम से एक टेबल बनाई मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ इसमें रोल नंबर आ जाए, तो रोल के बाद अंडरस्कोर जरूर लगाइएगा और फिर लिखिएगा नंबर, ठीक है। और यहाँ पर कैर डेटा टाइप दीजिएगा कैर, और यहाँ पर साइज रखिएगा 5, ठीक। कॉमा दे दीजिए, फिर यहाँ पर रोल नंबर के बाद यहाँ पे नेम दे दीजिए, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, ठीक है। तो नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया, और यहाँ पर टेक्स्ट डेटा टाइप दे सकते हैं चाहे तो, अदरवाइज यहाँ पर वेयर कैर का भी ऑप्शन है, यहाँ पे वेयर कैर भी लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पे 20 साइज दे देते हैं वेयर कैर में। अब मान लीजिए स्टूडेंट की एज की बात है, तो यहाँ पे एज लिख दीजिए, और एज का जो डेटा टाइप है वो मैं मेंशन कर देता हूँ। इसी तरीके से आपको लिखना है डेसिमल, और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है क्योंकि माई टेबल के बाद एक स्मॉल ब्रैकेट मैंने ओपन किया था उसको मैंने क्लोज कर दिया, और यहाँ से एक्सिक्यूट कर दीजिए। एक्सिक्यूट करेंगे नीचे लिखा हुआ आ गया है कमांड सक्सेसफुली एक्सिक्यूटेड, यानी आपका कमांड जो है सक्सेसफुली एक्सिक्यूटेड हो गया है। लेकिन अभी ये दिखेगा कहाँ, कहीं पर भी नजर तो नहीं आ रहा है, तो देखने के लिए क्या करेंगे, तो डोंट वरी मैं यहाँ पे हूं आपको बताने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से व्यू पे जाना है, उसके भी पहले इसको क्लोज कर दीजिएगा और यहाँ पे आइए टेबल पे, और यहाँ पे व्यू पे जाके और इसको रिफ्रेश कीजिए। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो माई टेबल के नाम से जो मैंने बनाया था टेबल वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। डबल क्लिक कीजिएगा ये ओपन भी हो जाएगा, देख सकते हैं। लेकिन इस पे अगर डबल क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से आपको शो करेगा। ये देखिए, ये एज है, ये रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है, ये सारी चीजें, ये सारी डिटेल यहाँ पे इस तरीके से आ रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ रही होगी कि आपको फील्ड नेम अगर एंटर करवाना है तो कैसे एंटर करवा सकते हैं, ओके। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, आगे की वीडियो में ये बताऊंगा कि इसमें रिकॉर्ड कैसे एंटर करवाएंगे। अभी एक और टेबल मैंने बनाई थी जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल टीए करके मैंने बनाया था, और ये भी आपको नजर आई रही होगी। तो यहाँ पर अगर डबल क्लिक करते हैं तो ये देखिए, ये यहाँ पर स्कूल टेबल जो है ये यहाँ पे नजर आ रही है, और ये हमारी माई टेबल वाली जो थी वो भी आपको नजर आएगी यहाँ पे, देखिए ये भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको रिकॉर्ड एंटर करवाना अगले वीडियो में सीखेंगे, ओके। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।